हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका महाराणा प्रताप क्लासेस श्री गंगाना लड़की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, काफ़ी समय से वीडियो मैं इस चैनल पर डाल नहीं पाया था। उसकी वजह ये थी कि राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, दो तीन वैकेंसियाँ थी जो उनके प्रोफेशन में लगा हुआ था। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो दोस्तों DRDO में एक वैकेंसी आई है, इसमें ये सब कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो ये ही मैं आपको बताने आया हूँ कि अगर आप फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। परीक्षा में अगर मैं आपको दोस्तों बताऊँ तो ये DRDO में वैकेंसी आई है। आवेदन इसमें 7 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में कर सकते हो। 7 नवंबर से 7 दिसंबर से, यानी कि आज 30 अक्टूबर हो गई है, 30 अक्टूबर से लगभग समथिंग 7 दिन बचे हैं, तो आप ये आवेदन कर सकते हो। 1 महीने का इसमें टाइम दिया है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी एज और जो क्वालिफिकेशन है, मतलब ये एज और क्वालिफिकेशन है जो आपको 7 दिसंबर तक ही काउंटिंग की जाएगी। इन्होंने कोई 2023 या 2022 लास्ट डेट या जनवरी महीना नहीं माना। इन्होंने कहा कि लास्ट डेट तक जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसकी 10वीं या 12वीं जो भी उसमें मांगी गई है उसका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए और इसी के हिसाब से एज काउंटिंग होगी। तो ये हो गया इसकी एलिजिबिलिटी, लास्ट डेट एज तक। और इसमें पदों की संख्या, जो पद दिए हुए हैं टोटल पद 1016 हैं दोस्तों, जिसमें से एक क्लर्क की पोस्ट भी निकली हुई है, ड्राइवर की भी है और स्टेनो की है और फायरमैन की है। ये 4 पोस्ट इसमें निकली हुई है। पद अगर आपने देखे तो इसमें सबसे पहले GTO यानी कि जूनियर ट्रांसलेट्स ऑफिसर, और इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है दोस्तों स्टेनो। तो स्टेनो के 338 पद हैं, 338 पद। और स्टेनो में भी 2 प्रकार दिए गए हैं दोस्तों, एक जूनियर और एक सीनियर। जूनियर के लिए 12वीं पास मांगी है और सीनियर के लिए स्नातक मांगी है, इसमें ग्रेजुएशन होनी कम्प्लीट चाहिए। दूसरी इसमें टाइपिस्ट की पोस्ट है, टाइपिस्ट में इंग्लिश के पद जो है 384 हैं और हिंदी के 16 हैं। इसके लिए अगर अपने क्वालिफिकेशन देखें तो 12वीं पास मांगी गई है। और अगली जो तीसरी पोस्ट है इसमें वो है व्हीकल ऑपरेटर, यानी कि एक हिसाब का आप यूँ कह सकते हो व्हीकल ऑपरेटर का मतलब इन्होंने कहा है कि ड्राइवर। तो ड्राइवर के लिए इसकी पोस्टें 145 हैं, 10वीं पास होना चाहिए और HMV लाइसेंस बना होना चाहिए और इन्होंने 3 साल का इसमें अनुभव प्रमाण पत्र मांगा है। दोस्तों, आपने किसी भी संस्था में किसी भी प्रकार से या कहीं भी अगर 3 साल का अनुभव, इन्होंने ये नहीं दिया हुआ फलाने ही डिपार्टमेंट या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ही होना चाहिए, आपके पास 3 वर्ष का लिखित में प्रमाण पत्र होना चाहिए कि ये सर ये मेरा प्रमाण पत्र है, मैंने गाड़ी चलाई है। तो ये होगा व्हीकल ऑपरेटर। उसके बाद इसमें फायरमैन की पोस्टें हैं जिसमें दोस्तों आपकी पद संख्या है 86, 86, और फायरमैन के लिए 12वीं पास और फिटनेस प्रमाण पत्र मांगा गया है 12वीं पास। फायर इंजन ड्राइवर के लिए, ये फायर इंजन ड्राइवर, ये कोई फायर जो गाड़ियां होती है दोस्तों उसके लिए मान लो ये ड्राइवर की वैकेंसी है। इसमें आपकी पोस्टें 18 और इसके लिए हैवी लाइसेंस मांगा और ट्रैफिक नियम की जानकारी होनी चाहिए उसे, और इसमें कोई अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मांगा है। एज की अपने बात करें तो एज दोस्तों 18 से 27 वर्ष के लिए है, और जो छूट होती है अपने OBC SC ST के लिए 3 साल, 5 साल और एक्सपीरियंस 10 साल, वो क्राइटेरिया रहेगा वो आप अन्य भर्तियों में देखते ही हो। और उसके बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं उनके लिए NOC जरूरी है, पर ये जरूरी कब है, ये जरूरी है आपको जब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी तब आपको NOC चाहिए। ये नहीं है कि आज ही फॉर्म अप्लाई करते हुए आपको NOC मांगी गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। छठा इसमें रिजेक्शन,
दिल्ली पुलिस ड्राइवर में दोस्तों बहुत ज़्यादा ये देखा गया, तो या तो किसी के पास हैवी लाइसेंस नहीं बना हुआ था, अगर हैवी लाइसेंस बना हुआ था तो वो लास्ट डेट से बाद में अप्लाई किया हुआ था, या ब्लूअर फोटो सिग्नेचर के कारण बहुत से बच्चों का फॉर्म है जो कि गलत हुआ था। तो दोस्तों ऐसा कोई फोटो या सिग्नेचर अपलोड नहीं करना है जो साफ दिखाई नहीं दे, उन्होंने कहा है कि उसे ऐसा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लास्ट डेट से दोस्तों पहले भरना है, क्योंकि लास्ट डेट में अपने को जाके ये दिक्कतें देखनी आती है, कभी फॉर्म सबमिट नहीं होता, सबमिट पर क्लिक करते हैं पूरा फॉर्म ही वापिस आ जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फीस में भी तब दिक्कत आती रहती है कि फीस कैसे भरनी है, पेमेंट कट नहीं रहा है, तो ये चीज़ें लास्ट यानी कि अपने को 7 दिसंबर से पहले पहले ही दोस्तों भरना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप स्टार्ट के 10 दिन में ही कंप्लीट कर दीजिए। और दूसरा, एक पोस्ट से अगर आप ज़्यादा अप्लाई करते हो, एक पोस्ट से ज़्यादा अगर आप अप्लाई करते हो, जैसे सपोज कर लीजिए दोस्तों आपने JTU के लिए भी अप्लाई करना है, स्टेनो के लिए भी अप्लाई करना है, और ऑपरेटर के लिए भी और फायरमैन के लिए भी करना है, तो ये तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप फायरमैन के लिए 2 पोस्ट अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा दोस्तों। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा कि अपने 2 फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम 2 कर देंगे, या अपनी योग्यता 2 में अगर अच्छे नंबर बनेंगे तो अपने पास हो जाएंगे। ये चीज़ें अपने को देखने को मिलती है राजस्थान पुलिस में दोस्तों। राजस्थान पुलिस में एक बच्चा 4-4 5-5 फॉर्म भर देता है, और अगर बाई चांस एक दिन एग्ज़ाम में नहीं आए तो वो 2 एग्ज़ाम या 3 एग्ज़ाम देने की कोशिश करने के लग जाता है, तो ऐसा इसमें नहीं है, आपका SSC जो है वो फॉर्म रिजेक्ट कर देती है। अब इसमें बात कर लें अपने हाइट और चेस्ट की, तो दोस्तों ये हाइट और चेस्ट जो अपने डिफेंस की वैकेंसियाँ उन्हीं के लिए लागू है, जैसे फायरमैन हो गया, फायर इंजन ड्राइवर हो गया, या व्हीकल ऑपरेटर ड्राइवर हो गया, स्टेनो के लिए उनके लिए मिनिमम हाइट तो है पर उतना क्राइटेरिया उनके लिए है नहीं, वो आप चीज़ें समझते हो। तो हाइट मेल की 165 चाहिए और फीमेल की 157 157 चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र के जो अपने गुड्डा मलानी या इधर से पहाड़ी क्षेत्र के दोस्तों जो व्यक्ति हैं उनकी जिनकी हाइट कम होती है उनको 2.5 सेमी की छूट दी गई है। चेस्ट 81 से 86 रहेगी, यानी कि 81 सेमी आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 86 फुलाव के साथ होनी चाहिए। ये चीज़ें बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा दोस्तों, एग्ज़ाम में 75 प्रश्न देखने को मिलेंगे, समय आपको 60 मिनट मिलेगा, सब्जेक्ट इसमें मैथ रीजनिंग और GK और इंग्लिश, ये नॉर्मली सब्जेक्ट जो आमतौर पर आते हैं ज़्यादातर। कई बार क्या होता है कि किसी स्टेट लेवल पर अगर वैकेंसी होती है तो उसमें स्टेट का जिक्र ज़्यादा दिया जाता है, बल्कि इसमें इन्होंने मैथ रीजनिंग और इंग्लिश सब्जेक्ट कहा है। ये क्राइटेरिया क्लियर करने के बाद दोस्तों आपका जैसे ही आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है तो उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपके ड्राइवर का भी होगा, फायरमैन का फिटनेस प्रमाण पत्र देखा जाएगा, और टाइपिस्ट के लिए टाइप करवा के देखा जाएगा कि आपको टाइपिंग आती है नहीं है। ये चीज़ें सारी अगर चाहे दिल्ली पुलिस ले लो, चाहे आप पिछले दिनों राजस्थान हाईकोर्ट की वैकेंसी आई थी, तो ड्राइवर में ये चीज़ें अपने को देखने को मिलती ही मिलती है। उम्र की बात कर लूँ तो दोस्तों 18 से 27 है मिनिमम, लेकिन JTO के लिए 30 बरस है और स्टेनो के लिए 30 बरस है। तो ये था इस ओवरऑल वैकेंसी का क्राइटेरिया जो आपने देखा दोस्तों। तो आप 7 नवंबर से लेकर 10 दिनों के अंदर अंदर ये फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, और फॉर्म फोटो पर कोई सिग्नेचर वगैरह या डेट वगैरह डालने की कोई ज़रूरत है नहीं, कुछ दिया नहीं हुआ है और अपने को ज़्यादा उसमें करेक्शन करना ही नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों की सहायता से ही ये चैनल चल रहा है दोस्तों। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे से जो भी नई वैकेंसी ड्राइवर की पोस्ट के लिए आएगी दोस्तों अपने यहाँ इसी चैनल के माध्यम से आपको अवगत करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए स्वस्थ रहिए, जय हिंद जय भारत। Gracias.